अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये आज हमारी रेसिपी है ट्राइफल विद कॉकटेल। बहुत इजी है और सबको मज़ा आएगा इसे खाने में। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया था 1.5 के जी मिल्क और इसे मैंने इस पैन में डाल के बॉयल कर लिया था। और इसके बाद मैंने हाफ जो दूध था उसमें मैंने अपनी पसंद का फ्लेवर, बनाना फ्लेवर मुझे पसंद है, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, रफान का, मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डालकर इसे घोल लिया था और चमचे चलाते चलाते इसे डाल दिया था ताकि लम्स ना बने। फिर मैंने जो है ये 1 कप चीनी ली थी। ये मीठा मुझे बिल्कुल सही लगा क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा बना हुआ था। और फिर इसे मैंने थिक होने के लिए हल्की फ्लेम पे रख दिया कि कस्टर्ड जो उसमें मैंने बनाना फ्लेवर डाला है और चीनी डाली है, उसके बाद इसे मैंने चलाया और थिक होने के लिए रख दिया। जैसे ही थिक हुआ मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर मैंने जो है यहाँ लिया है एक पैन में 2 कप जो है पानी लिया था और उसे बॉयल कर लिया था। फिर यहाँ बोल में मैंने एक रेड जेली ली है और एक ग्रीन जेली ली है और फिर बॉइलिंग वाटर जो था वो उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए और थिक हो जाए और अच्छा सा इसका लुक और कलर आ जाए। देखिए ये ठंडी हो गई है। फिर मैंने यहाँ पर फ्रूट्स लिए हैं, बनाना, आड़ू, चीकू और एप्पल, इनको मैंने कट कर लिया था। और उसके बाद जब कस्टर्ड ठंडा हो गया तो मेरे पास फ्रेश क्रीम रखी थी व्यूअर्स ऑल पर्स की, तो मैंने ये हाफ़ डाल दी थी और हाफ़ छोड़ दी थी वरना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता, तो मैंने ये हाफ़ ट्रांसफ़र कर दी थी। उसके बाद इसे अच्छे से मैंने घोला है इसके अंदर ताकि इसके भी लम्स ना बने। फिर मैंने ये चीकू डाला है अंदर इसी पैन के अंदर ही, ये बनाना मिक्स किया है, मैंने इसमें आलू डाले हैं और फिर मैंने इसके अंदर सेब जो मेरे पास कट हुए रखे थे वो मैंने फ़ौरन डाल दिए और फिर इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। फिर मैंने ये जो है जेली ठंडी हो गई थी तो इनको मैंने पीसेस में जो है कट कर लिया है। और मैंने फिर जो है यहाँ पे कॉकटेल टिन भी लिया था बड़ा वाला, जो मैंने पूरा यूज़ नहीं किया, हाफ यूज़ किया है, उसे उसका पानी मैंने सेपरेट कर दिया था, अलग कर दिया था, उसे धो लिया था। फिर मैंने जो है एक बोल में ग्रीन जेली और रेड जेली जो है पीसेस कट किए हुए थे वो मैंने डाली हैं और फिर मैं अपना वो जो फूड कस्टर्ड था वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। और फिर जो है हम ये कॉकटेल की थी पूरी चीज़ें ये मैंने डाल दी हैं, फिर वही प्रोसीजर मैं रिपीट करूँगी। फिर मैंने ऊपर से जेली रिपीट डाल दी है और थोड़ी सी मेरे पास चॉकलेट्स रखी हुई थी वो मैंने चॉकलेट्स डाल दी। आप चाहे तो इसमें केक भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मेरे घर में ऐसे ही बनाया जाता है तो मैंने सोचा आपसे ऐसे ही शेयर किया जाए। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी।